18 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने भरी हुंकार। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा के आह्वान पर सोमवार को जनपद के शिक्षकों ने बीएससी कार्यालय पर धरना दिया। धरना की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष राधे रमन त्रिपाठी ने कहा कि जो शिक्षक 62 वर्ष तक सेवा करेंगे उनको निश्चित पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार को 1 अप्रैल 2005 से नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन की बहाली करनी चाहिए। परिषदीय शिक्षकों को राज कर्मचारी की भांति उपार्जित अवकाश, कैशलेस चिकित्सा व द्वितीय शनिवार का अवकाश मिलना चाहिए। इसके अलावा प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति तैनाती माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अनुसार चयन वेतन मान, शिक्षकों के प्रोन्नति वेतन मान आदि सहित 18 मांग को लेकर शिक्षक का आंदोलनरत है। कहा कि शिक्षकों की एकजुटता के बल पर हम सभी मांग पूरा करा कर रहेंगे। अनिरुद्ध मौर्य ने गीत के माध्यम से पुरानी पेंशन की मांग उठाई। धरना को जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम प्रकाश मिश्र, गयानंद मिश्र, रुपेश सिंह अछेवर, के पांडे, संतोष पांडे, लालजी यादव, इंद्रजीत यादव, नमिता यादव, विकास ओझा, मनीष दुबे, अवधेश यादव आदि ने संबोधित किया। अपूर्व श्रीवास्तव व जिला कोषाध्यक्ष अभय श्रीवास्तव के संचालन में आयोजित धरना में इंद्रसेन सिंह, सुधाकर मिश्र, जावेद आलम, दिनेश सिंह, सुधेंदु करुड़ेश, शैलेंद्र राय, अशोक द्विवेदी, शिवाकांत दुबे आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो हमारे शिक्षक हैं उनका ये महान संगठन है, कक्षा 1 से 8 तक इसमें संचालित होता है। उसके सभी शिक्षकों का एक ये संगठन है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ। इसके बैनर के नीचे आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश ये बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की 18 सूत्रीय मांगों को सरकार को पेशित किया था। उसके समर्थन में आज हम लोगों ने इसके पूर्व प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन की घोषणा हुई थी। प्रथम चरण में हम लोगों ने ब्लॉक कार्य समितियों में इसकी मीटिंग की और सबको जानकारी दिया कि हमारी मांग है, इनके लिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं। द्वितीय चरण में अपने जनपद के सभी पूरे प्रदेश में सभी हमारे प्रतिनिधियों ने जितने भी हमारे विधानसभा सदस्य हैं माननीय विधानसभा सदस्य उन लोगों को ज्ञापन दिया। तृतीय चरण में आज हम लोगों ने जनपद मुख्यालयों पर पूरे प्रदेश में सभी जनपदों पर ये धरना आयोजित किया गया है। उसमें 18 सूत्रीय मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, राज्य कर्मचारियों की बात कैशलेस चिकित्सा, राज्य कर्मचारियों की बात 30 दिन का ईएल और सेकेंड सैटरडे की छुट्टी, पदोन्नति शिक्षकों की, शिक्षकों का ट्रांसफर, ये सारे मुद्दे हैं जिसमें हम लोगों ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन। सर मांगे नहीं पूरी होती है तब क्या करेंगे? नहीं पूरी होंगी तो एक अगला चरण भी हमारा घोषित है, सारे शिक्षक प्रदेश में जुटेंगे और वहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना मार्गपत्र देंगे कि हमारी